आबकारी विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर में आबकारी विभाग ने आज सुबह कुचबंदिया मोहल्ले और चांदमारी इलाके में दबिश दी। दबिश में आबकारी विभाग ने 4000 किलोग्राम महुआ लाहन को मौके से नष्ट किया, तो वहीं मौके से 45 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की गई। पूरी कार्रवाई में आबकारी विभाग ने 9 लोगों के ऊपर आबकारी अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। जबलपुर आबकारी विभाग के द्वारा लगातार शराब का अवैध व्यापार करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। कल शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुचबंदिया मोहल्ले में, जो घामापुर क्षेत्र में है और चांदमारी की तलैया क्षेत्र में, भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब जो है तो बनाया जाता है। उक्त सूचना पर सुबह सुबह दल गठित करके और आज वहां छापामारी की गई है। कुचबंदिया मोहल्ले और चांदमारी की तलैया दोनों जगह से भारी मात्रा में महुआ का लाहन और कच्ची शराब बरामद की गई है। 4 आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार किया गया है और 1 आरोपी बच्चा कुचबंदिया मौके से जो है तो फरार हो गया है। गिरफ्तार किया गया आरोपियों में त्रिवेणी बाई कुचबंदिया, पिंटू उर्फ अंकित कुचबंदिया, कल्पना कुचबंदिया और सीताबाई कुचबंदिया, और इसी तरह जंगलों में भी महुआ का लाहन जो है तो वहाँ बरामद किया गया है पहाड़ियों में। तो 4 अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध भी जो है तो प्रकरण दर्ज करके और पतासाजी की जा रही है। कार्रवाई के दौरान लगभग 4000 किलोग्राम महुआ लाहन और 45 से 50 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब बरामद की गई।